भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ग्रेट, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पावरफुल बनाना है तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को पता होना बहुत जरूरी है कि बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो मेन रोल होता है वो किसी भी कंपनी के सीईओ या चेयरमैन का होता है। सीईओ का काम होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें पूरे स्ट्रक्चर को कैसे लेके जाना है और हमारी कंपनी का विजन क्या है, हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं, हमारी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज क्या होगी, हमारी टीम कैसे डेवलप होगी, हमारी टीम का आने वाले समय पर क्या क्या काम होगा, हमारी टीम कैसे बेस्ट परफॉर्म करेगी, कैसे अपना बेस्ट आउटपुट देगी, एक कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर के रूप में होता है। फाइन, उसके बाद आते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। ये हो सकता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ही में से कोई सीईओ हो या चेयरमैन हो, पर यह भी हो सकता है कि एक कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर्स ने मिलकर एक सीईओ को अपॉइंट किया जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है। डायरेक्टर्स के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है वो हर एक टीम के टीम मैनेजर की आती है, जो डायरेक्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, और हर डिवीजन का एक टीम मैनेजर होता है। हर एक बिजनेस, हर एक प्रोफेशन का जो बेस स्ट्रक्चर है वो है मार्केटिंग। जब तक किसी भी बिजनेस में प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होगी, तब तक लोगों के पास उस बिजनेस या प्रोफेशन की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, और जब तक लोगों के पास उस बिजनेस या प्रोफेशन की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, तब तक वो लोग आपको उस समस्या या उस प्रोडक्ट या उस सर्विस से संबंधित कॉल नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे या कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, और जब तक कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तब तक सेल्स का कन्वर्जन होने वाला नहीं है। बैकबोन कही जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग। इज दैट क्लियर? सेल्स एंड मार्केटिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा अच्छा फाइनेंस होगा, उतनी ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ होगी। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? Yes. क्या आप सभी लोग तैयार हैं? Yes. क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ग्रेट। Yes. तो अब बात करते हैं आगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये जो डिपार्टमेंट है ना मार्केटिंग, अब मार्केटिंग भी आपके यहाँ दो तरह से होती है, एक B2B और एक B2C। यहां पर जो मार्केटिंग हम लोग करते हैं दो तरह से करते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। सेल्स में भी वही बात होती है, B2B एंड B2C। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सर्टिफिकेशन कराना है, किसी का कोई एक्रेडिटेशन कराना है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स में हम काम करते हैं वो सारा B2B आता है। या हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर रहे हैं, या हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी डिपार्टमेंट से टाई अप कर रहे हैं, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप कर रहे हैं, या हम उन संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो B2B पार्ट होगा सेल्स का। और B2C जहां पर हम डायरेक्ट अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट हो रहे हैं, और ये भी 4-5 तरीके से आते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास डायरेक्टली आपको पिच कर रही है, चाहे उसने एडवर्टीजमेंट देखा हो, कहीं प्रमोशन देखा हो, कहीं ब्रांडिंग देखा हो, वो डायरेक्ट सेल्स में आती है। दूसरी होती है रेफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेफरेंस। ध्यान रखिएगा, जब कोई भी व्यक्ति आपको रेफरेंस देता है, जब कोई भी व्यक्ति आपको रेफरेंस देता है, तो वो रेफरेंस में उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी जुड़ी होती है, मतलब आपकी डील आसानी से क्रैक होती है या वो क्लाइंट आसानी से कन्वर्ट होता है। रेफरेंस के बाद हो गया ऑनलाइन। सबसे स्लो रिजल्ट जो होता है वो ऑनलाइन का होता है। अभी एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे डिटेल्ड। ऑनलाइन का मतलब हुआ कि किसी ने, आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग के लोगों ने, सेल्स प्रमोशन के लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट रन किया, उससे कुछ लीड्स आई, वो लीड्स को टेलीकॉल, देखिए ध्यान रखिएगा, जिस तरह से बॉडी के सारे ऑर्गन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता है और तब जाके पूरी बॉडी स्ट्रक्चर काम करता है, ठीक उस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमें इस बात को बताता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो आता है वो ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन, आपके हॉस्पिटल में, आपके क्लिनिक में किसी पर्सन ने विजिट किया है। नेक्स्ट आ गया टेलीकॉलिंग। कई बार हम कोई डायरेक्टरी उठाते हैं कहीं से, या मान लीजिए कोई प्रोग्राम हमने किया, लॉयंस क्लब के लिए एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए और वहां पर हमने टेलीकॉलिंग करके लोगों की प्रॉब्लम को समझा। इसका मतलब यह है कि चाहे टेलीकॉलिंग डिवीजन हो, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, हम कहीं ना कहीं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जिसका काम एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है जिसकी इंफॉर्मेशन सभी के पास होनी चाहिए। जब तक सबके पास सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक वो अपना काम बेस्ट तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बात HR एंड एडमिन पर डिपेंड करती है। HR एंड एडमिन में सबसे इंपॉर्टेंट है नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस एक जगह आकर स्टक हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है सही तरीके से रिक्रूटमेंट। और हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कैसे काम करेगा। ठीक उस तरह से एक माँ ने अपनी बेटी को बचपन से ही शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी, और साथ साथ उसको घर का खाना बनाना, घर का मैनेजमेंट, कैसे काम करते हैं, कैसे सबका सम्मान करते हैं, सब कुछ सिखाया। सिखाते हैं, यस और नो? आप में से चाहे कोई मैनेजमेंट लेवल पर हो या CEO लेवल पर भी हो, कोई भी अगर महिला डॉक्टर हमारे साथ में है, महिला हमारे साथ में है, तो उनकी माँ ने उनको कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग जरूर दी होगी कि बेटा घर का मैनेजमेंट भी सीखना है, चाहे आप कितने भी टॉप लेवल के बिजनेस में
या प्रोफेशन में आप चले जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही उसकी शादी होने के बाद वो नए परिवार में जाती, फिर दोबारा से नया मैनेजमेंट शुरू होता है कि भाई हमारे यहां तो नमक थोड़ा कम डलता है, हमारे यहां जो देसी घी है वो ज्यादा लगाया जाता है, या हमारे यहां सैलेड पहले सर्व किया जाता है। यस और नो? और हम कई जगह ऐसा होता है कि जहां पर मामा के पैर नहीं छुए जाते कई जगह छुए जाते हैं, वो कहते हैं हमारे यहां तो मामा के पैर भी छुए जाते हैं, किसी जगह पर नहीं छुए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस परिवार से किस परिवार में जा रहे हैं। तो मैं रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूं कि जब हम किसी का रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो एक्सपर्ट होता है या क्वालिफाइड पर्सन होता है, तभी हम उसको अपनी टीम में लेते हैं। यस और नो? और क्वालिफाइड तो वो है, पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है, उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में ढलना पड़ेगा, तभी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट के बाद उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग का मतलब है कई तरह की ट्रेनिंग है, चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग हो, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, चाहे एक एटमोस्फेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, या हमारे बिजनेस हमारे प्रोफेशन के कल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, मान सम्मान से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, या काम करने के तरीके से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, चाहे ये भी एक ट्रेनिंग हो कि भाई लंच के टाइम पर आप लंच करेंगे तो कहां बैठकर करेंगे और क्या प्रोटोकॉल होगा उसका। एवरीथिंग डिपेंड्स टूवर्ड्स रिक्रूटमेंट, एचआर और एडमिन डिपार्टमेंट। डे टू डे मैनेजमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि रोज हम क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, और उसके बाद में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। क्योंकि हम लोग मशीनों के साथ काम नहीं कर रहे हैं जहां हमें सिर्फ एक कमांड डालनी है और कमांड डालने के बाद लाइट ऑन करनी है, स्विच ऑन करना है और मशीन लगातार चलती रहेगी। वी आर डीलिंग विद ह्यूमन नेचर, जहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, बहुत सारे प्लस माइनस भी होंगे, बहुत सारी बातें पॉजिटिव भी होंगी, कुछ नेगेटिव भी होंगी। माइंड सेट भी रोजाना अलग अलग तरह का होता है, हर व्यक्ति का मूड। कहते हैं ना मूड, आज मूड ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि घर से निकले तो घर से निकलते ही एक स्कूटर वाले ने टक्कर मारी मेरी बाइक पर, मैं गिर पड़ा, वो भी गिर गया, वहीं से मूड अपसेट हो गया, चाहे चोट ना लगी हो। लेकिन कई बार चोट लग भी गई तभी मूड अपसेट नहीं है, क्योंकि चोट लगने के बावजूद भी वो ऐसी कंडीशन में था कि जिसके साथ लगी हो कहता यार ये तो मेरा दोस्त ही था। मेरा कहने का मतलब प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन, ये पूरा एचआर एडमिन डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट है जिस पर उनको फोकस करना है। नेक्स्ट आ गया आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन में सारी चीजें वो आ गई जो हमारे 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 ऑर्गेनाइजेशन का कोर बिजनेस है। वो कोर बिजनेस या कोर प्रोफेशन क्या हो सकता है? प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड और आफ्टर सेल्स से रिलेटेड। आफ्टर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस ग्रोथ में। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। और उसके बाद आ जाता है ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करते हैं उसकी जो बैकबोन है वो है फाइनेंस। फाइनेंस में हमारी सेल्स भी आ गई और एक्सपेंडिचर भी आ गया कि कितना रिवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं और कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद आ गया हमारे फंड्स का फ्लो, दो तरह का, एक इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है। अगर एक फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजमेंट का पर्सन ठीक तरीके से इनफ्लो और आउटफ्लो को मैनेज कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी बेस लेवल के एम्प्लॉय से लेकर टॉप लेवल के मैनेजमेंट तक किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी सैलरी डिले हो गई या किसी कारणवश नहीं आई या कोई भी एक खर्चा, वो कभी रुकेगा नहीं। और जब आपका फ्लो ऑफ ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेशन ठीक होगा तो बॉडी के सारे ऑर्गन हमेशा बढ़िया से काम करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। सिर्फ एक सबसे कम यूज होने वाली लेफ्ट या राइट हैंड की भी छोटी उंगली, अगर यहां भी ब्लड फ्लो रोक देंगे ना तो इतना हिस्सा बेकार हो जाएगा। ठीक यही बात फाइनेंस पर लागू होती है कि हमारे बिजनेस में अगर फाइनेंस का एक भी डिवीजन कहीं पर वीक पड़ जाए, इनफ्लो और आउटफ्लो का मैनेजमेंट ठीक ना हो, तो कहीं ना कहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन रुक जाती है। क्योंकि फाइनेंस इज लाइक अ ब्लड फ्लो इन द बॉडी, कि आपकी बॉडी के किस ऑर्गन को ब्लड नहीं जाएगा वहीं पर स्टक हो जाएगा। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें इंपॉर्टेंट है तीन इंपॉर्टेंट बात। एक तो फंड्स का फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है लिक्विडिटी। कई बार ये देखा गया कि फंड का फ्लो बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छे से आ भी रहा है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ रिसीविंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। कि मतलब हर तीन महीने बाद पैसा आता है तो तीन महीने के लिए आपको रिजर्व करना पड़ता है ताकि अगले हर महीने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को भी पे करने के लिए हमारे पास फ्लो हो। तो यहां पर लिक्विडिटी और रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि सब मिलकर ग्रोथ करें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति को एक बेस लेवल मिला हुआ है और एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि वो किसी भी लेवल तक आगे बढ़ सके। आज जो भी मैंने आपको बताया ना, मैंने केवल और केवल वही बताया जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट किया। एक भी चीज वो नहीं बताई जो मैं कहीं थ्योरेटिकल बता दिया, मुझको कुछ पता नहीं है, बस बता दिया ये बुक है, ये कंटेंट लिखा है, ये कुछ लिखा है। आप भी ठीक वैसे ही आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आप बढ़ने का लक्ष्य रखें।
एक छोटी सी कविता बोलकर अपनी बात को मैं कंप्लीट करूंगा, सभी मेरे साथ बोलेंगे। सपनों की बात किया करता हूँ, हर सड़क गली चौपालों में आंसू तो मेरे सूख चुके, हंसने की चाहत गई नहीं, हर राह भटक कर कहती है तेरी हस्ती है कहीं नहीं, पर सपनों का मालिक दिल और मानो का मालिक दिल कहता है मत रो ए नादा मन, मंजिल तुझसे है दूर सही पर तू मंजिल से दूर नहीं, जब मंजिल को मिल जाएगी ये दुनिया जश्न मनाएगी, आकाश पे होंगे कदम तेरे शोहरत तुझको मिल जाएगी, हर रात ख्वाबों में सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे। थैंक यू।